हेलो भाई एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइज मैंने एक महीने पहले है ना अपनी जो कि ये स्कूटी है उसकी जो सुजुकी एक्सेस 125 इसकी डिलीवरी हुई थी और मैंने वो वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। तो हमने है ना इसे बाय किया था और अब देखो इसकी है ना अब एक महीना हो चुका है, अब इसकी फर्स्ट सर्विस होगी। तो इसकी है ना फर्स्ट सर्विस करवाने आज हम जा रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप एक्सेस 125 खरीदते हो या फिर लेने की सोच रहे हो तो गाइज इसका जब खरीदते समय मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। और गाइज अब है ना इसको मतलब कि मैं सर्विस कराने के बाद हम चलाएंगे तो इसका क्या जो कि रहने वाला है एक्सपीरियंस, तो वो मैं आज आपको पूरा शेयर करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो अपन सर्विस करवाने जाते हैं इसे और मैं आपको पूरा इसकी डिटेल वीडियो बता दूंगा। और देखो सर्विस है ना इसकी होती है देखो 700 किलोमीटर पे, तो अभी 700 से ज़्यादा हो चुके हैं, देखते क्या सीन रहता है। 748 है अभी, तो इस हिसाब से देखते हैं कि सर्विस हो पाती है कि नहीं। तो उन्होंने बोला था, कॉल किया था, उन्होंने बोला कि गाइस 700 किलोमीटर पे होती है फर्स्ट सर्विस अपनी एक्सेस की, तो आप लेके आ जाओ। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं और पूरा मैं आपको बता दूंगा कि गाइस ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास है तो भी ये वीडियो पूरी देख लेना मेरे साथ क्या होता है। ठीक है, तो चलो गाइस हम पर निकलते हैं, रवाना होते हैं, वो रहा अपना हाईवे, तो अपन निकल पड़ते हैं सर्विस के लिए और पूरा मैं आपको वीडियो में बता देता हूं। तो चलो गाइस चलते हैं। तो हम सुजुकी के सर्विस सेंटर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्सेस पड़ी थी यार, क्या पता अब क्या होता है, अंदर जाके पूछते हैं गाइस कोई टाइम लगेगा या फिर मतलब आज होगी भी या नहीं। तो चलो गाइस अंदर जाता हूँ मैं, पूछता हूँ क्या सीन रहता है। गाड़ी को तो अंदर लिया है पर गाइस इनसे पूछा कि गाइस कितना टाइम लगेगा, तो ये बोल रहे बहुत सारी गाड़ियाँ है सुबह से आई हुई है तो गाइस बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए गाइस यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है। छोटा मोटा ये फार्म भरना पड़ता है हमें, जो अपनी प्राइस रहेगी जो हमें देना पड़ेगा जो 345-400 के मुकाबले होता है। ठीक है, तो चलो गाइस अपनी गाड़ी अंदर जाएगी, अपन को थोड़ी देर वेटिंग करनी पड़ेगी। तो अब क्या करें गाइस, टाइम तो लगेगा ही है, तो अंदर देखते क्या होता है। तो अभी तो हम बैठे हैं, देखते हैं सुजुकी की सर्विस कब तक हो पाती है अपनी। तो देख पा रहे हो ये कुछ बैठने का है, यहाँ पे सब जने बैठते हैं, तो अंदर हो रहा है अपने गाड़ियों का काम, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं इसमें से हमारी भी एक है। तो चलो गाइस देखते कितना टाइम लगता है। A few moments later. तो अपनी गाड़ी को बाहर निकाल दे, अब शोरूम की तरफ चलते, फिर मैं आपको इसकी पूरी रिव्यू देता हूँ। तो ये खड़ी अपनी शोरूम के बाहर एक्सेस 125। तो भाई देखो अब अभी चमक तो अच्छी रही है, पर देखो अब मैं आपको इसकी रिव्यू दे देता हूँ। देखो इसको मैंने चला के देखी तो गाइज इतना कोई फ़र्क नहीं लगा, 19-20 का फ़र्क लगा। दूजू गाइज वैसी ही गाड़ी लग रही है मुझे, बस थोड़ी पहले के मुकाबले थोड़ी बेटर हो चुकी है। और एक बात बोलूँ तो गाइज थोड़ी वेटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, पूरा दिन बर्बाद हो चुका है, तो कोई बात नहीं, पर गाड़ी बहुत अच्छी हो चुकी है वो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो सुजुकी की सर्विस तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बस थोड़ी वेटिंग के लिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो भाई चलो गाइस घर की तरफ निकलते हैं। और अगर आपको गाड़ी के बारे में और कुछ मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वरना गाइस आज की वीडियो यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस बाय।